morning children of class 2. Today we are going to start a revision for half yearly exam and today's topic is tick the correct answer. Children, आज जो हम revision करवाने जा रहे हैं उसका topic है tick the correct sentences. इसमें से कुछ sentence दिए हुए हैं जिसमें जो sentence सही है उसे आपको सही टिक करना है और जो गलत है उसे गलत टिक करना है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. नंबर वन में सेंटेंस है, वेरी हाई माउंटेंस आर कवर्ड विथ स्नो. जो बहुत बड़े माउंटेंस होते हैं वो स्नो से कवर्ड होते हैं. तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि जो माउंटेंस जितने ऊंचे होते हैं वो पूरी तरह से स्नो से कवर्ड होते हैं, ये बर्फ से ढके हुए होते हैं, इसलिए इसमें हम लोग सही का टिक करेंगे. नंबर टू में है, रिवर्स फ्लो फ्रॉम द सी टू द माउंटेन. रिवर फ्लो करता है समुद्र से माउंटेन की तरफ. तो ये सेंटेंस गलत है ना, क्योंकि रिवर कैसे फ्लो करता है? माउंटेन से फ्लो होकर के वो समुद्र की तरफ आता है, इसीलिए सीज की तरफ आता है, इसीलिए यह सेंटेंस रॉन्ग होगा, इसलिए हम लोग इसमें क्रॉस करेंगे. नंबर थ्री क्वेश्चन है, वी नीड एयर टू ब्रेथ. हमें सांस लेने के लिए एयर की आवश्यकता है, हमें एयर की ज़रूरत होती है. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? सही टिक करेंगे, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए एयर की बहुत ही ज़रूरत है. क्योंकि अगर हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे, एयर नहीं होंगे तो हमारा लाइफ ही नहीं होगा, इसलिए यह सेंटेंस बिल्कुल सही है. नंबर फोर में है, सी वाटर इज साल्टी. सी वाटर कैसा होता है? नमकीन होता है ना, साल्टी होता है, इसलिए यह सेंटेंस भी सही होगा. क्योंकि समुद्र के जो पानी होते हैं वे खारे होते हैं, वो खारा पानी होता है, साल्टी होता है, इसलिए यह सेंटेंस सही है. नंबर फाइव में है, लेक्स एंड हिल्स आर मैन मेड थिंग्स. लेक्स एंड हिल्स क्या मैन मेड थिंग्स हैं? तो नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि लेक्स और हिल्स जो हैं वो नेचुरल थिंग्स हैं, इसे मैन मेड नहीं कह सकते, क्योंकि ये इंसानों के द्वारा बनाए हुए नहीं है, इसे नेचर ने बनाया, इसलिए ये रॉन्ग होगा. मैन मेड थिंग्स वैसे थिंग्स होते हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए होते हैं. जैसे हम अपने घर में अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए हुए हैं, जैसे बहुत बहुत बिल्डिंग पूल्स जो होते हैं घर में, बहुत तरह की फर्नीचर, बहुत तरह की वैसी चीज़ जो इंसानों के द्वारा बनाई होती है. मगर ये जो लेक्स और हिल्स हैं वो नेचुरल थिंग्स हैं, इसे नेचर ने बनाया है. थैंक यू.